Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 11, A Pound of Butter, Be Fair and Just. So, we get back in life what we give to others. आपने कई बार ये चीज़ सुना होगा कि हमें वो चीज़ मिलती है जो हम लोगों को देते हैं, right? Whenever you take an action, ask yourself whether you are doing the right thing or you are doing fair and just in your dealings with others. जब भी आप कुछ भी चीज़ करो तो उससे पहले आप खुद को क्वेश्चन करो कि आप सही कर रहे हो क्या, क्या आप जस्टिस मतलब फेयर मतलब सही कर रहे हो क्या एंड जस्ट इन योर डीलिंग्स विद अदर्स. इफ द आंसर इज येस, गो ऑन. अगर आपको लग रहा है कि आंसर येस है तो जाइए वो करो. Is no, then stop, check and review your action. अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ये सही नहीं है तो उस पर आपको जांचना है कि क्या गलत है और क्यों नहीं है, ठीक है. सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ फार्मर. एक समय में एक फार्मर था हु सोल्ड अ पाउंड ऑफ बटर टू द बेकर. पाउंड यानी कि अ यूनिट ऑफ वेट. बेकर यानी कि अ पर्सन हुज ट्रेडिंग इज मेकिंग एंड सेलिंग ब्रेड्स एंड केक्स. सो वन डे द बेकर डिसाइडेड टू वेट द बटर टू सी इफ ही वॉज गेटिंग अ पाउंड और नॉट. एक दिन बेकर ने सोचा कि उसे जो बटर मिल रहा है वो प्रॉपर उसे मिल रहा है या नहीं हम जांचेंगे. ऑन वेटिंग द बटर ही फाउंड दैट ही वॉज गेटिंग लेस देन अ पाउंड एवरी डे. फिर जब उसने वेट उसने मापा तो उसने देखा मैं कि उसको एवरी डे के हिसाब से बटर बहुत कम मिल रहा है. दिस एंगर्ड हिम एंड ही टुक द फार्मर टू द कोर्ट. ये चीज़ से उसको गुस्सा आया और उसने फार्मर को कोर्ट में ले गया. द जज आस्क्ड द फार्मर इफ ही वॉज यूजिंग एनी मेजर. सो तो जज ने क्या पूछा कि जज ने पूछा कि तुम कुछ मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो क्या. द फार्मर रिप्लाइड योर ऑनर आई एम द अनएजुकेटेड विलेज मैन आई डोंट हैव अ प्रॉपर मेजर बट आई हैव अ स्केल. उसने क्या बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसके वजह से मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है मेजरमेंट के लिए लेकिन मेरे पास एक स्केल है. द जज आस्क्ड देन हाउ डू यू वेट द बटर. उसने पूछा कि फिर तुम कैसे वजन करते हो बटर का वजन कैसे करते हो. फार्मर रिप्लाइड योर ऑनर लॉन्ग बिफोर द बेकर स्टार्टेड बाइंग बटर फ्रॉम मी. बहुत पहले बेकर ने बटर मुझसे लेना खरीदना स्टार्ट किया. आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड ऑफ लोफ ऑफ ब्रेड फॉर हिम. मैं उसके लिए एक पाउंड ऑफ ब्रेड भी लेता हूँ फॉर हिम एवरी डे. व्हेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड जब भी बेकर ब्रेड लेके आता है आई पुट इट ऑन द स्केल एंड गिव हिम द सेम वेट इन बटर. जब वो ब्रेड लेके आता है वो सेम वेट में उसको बटर देता हूँ. आई पुट इट ऑन द स्केल एंड गिव द सेम वेट ऑफ बटर. इफ एनी वन इज टू बी ब्लेम्ड इट इज बेकर. अगर किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें बेकर को ब्लेम करना है. द बेकर फील्ड अशेम फॉर हिज डीड्स. बेकर को उसके किए हुए पे बहुत शर्म आ रही थी. ही रियलाइज ही शुड हैव बीन फेयर एंड जस्ट इन हिज डीलिंग्स विद द फार्मर. वो बोलता है कि उसे हमेशा फेयर मतलब सच होना चाहिए था उसके डीलिंग्स में फार्मर के साथ. इफ ही हैड बीन फेयर ही वुड हैव रिसीव फेयरनेस इन रिटर्न. अगर वो फेयर होता मतलब वो भी उसको ब्रेड देता था तो अगर वो ब्रेड अच्छे से उसको उतना ही माप का देता तो इन रिटर्न उसको बटर उतना ही प्रॉपर मिलता था, राइट. मतलब हम लेसन के पहले में मैंने क्या बताया था कि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न भी मिलता ही है, राइट. तो फार्मर क्या करता था उसके पास ना वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, और उसके पास मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी लेकिन फार्मर जो ब्रेड उसे देता था वही लेके वो स्केल पे रखता था और उतना ही बटर उसको देता था. अगर फार्मर ने ब्रेड ज़्यादा दिया होता प्रॉपर दिया होता वो उसमें उसको कटिंग करके देता था तो इसीलिए उसके वजह से बटर भी उसको कट करके मिलता था. इज़न्ट इट राइट.